भारत में करोड़ों स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं। हर किसी का अपना सपना, अपना लक्ष्य होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आईएएस, आईपीएस, किसको क्या बनना है वो उसी दिशा में मेहनत करता है। लेकिन सब कुछ हासिल करने की इच्छा और परफेक्ट बने रहने का जुनून और ये प्रेशर कब उनके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने लगता है उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। ऊपर से घर परिवार की उम्मीदें, करियर का जो टारगेट फिक्स किया है उसे पूरा करने का दबाव छात्रों की जिंदगी में इतना तनाव बढ़ा देता है कि धीरे धीरे वो यंगस्टर्स फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम्स के घेरे में घिरने लगते हैं और इसका इफेक्ट उनकी बॉडी पर दिखाई देता है। ब्लड में एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ने लगता है, दिल और बाकी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हाई अलर्ट पर चले जाते हैं। हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। एड्रेनालाइन हार्मोन की वजह से ब्लड शुगर भी हाई हो जाता है और तो और हार्मोनल इंबैलेंस की परेशानी भी झेलनी पड़ती है। और हार्मोन्स में गड़बड़ी होने से मूड स्विंग, नींद की कमी, हर वक्त थकान, चिड़चिड़ापन रहना, सर दर्द, इनडाइजेशन और मसल्स की प्रॉब्लम तक का सामना करना पड़ता है। हार्मोन्स का बिगड़ना थायराइड, पीसीओडी जैसी घातक बीमारी की वजह बनता है और यंग एज में ही इन बीमारियों का अटैक किसी की भी हिम्मत को तोड़ने के लिए काफी है। उस पर अगर पढ़ाई में उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट ना आए तो स्टूडेंट्स डिप्रेशन तक में चले जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर का खतरा उनमें बढ़ जाता है। असल में क्या है ना ज्योत्सना, परफेक्शनिज्म और दूसरों से आगे निकलने की होड़ में छात्र अपने लिए ही वक्त निकाल नहीं पाते हैं। ना वो फिजिकली एक्टिव रहते हैं और ना ही मेंटल पीस के लिए वो ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। जबकि अगर वो ऐसा करेंगे तो अपने लक्ष्य को और बेहतर तरीके से पा पाएंगे, उस पर ज्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और ऊपर से कंपेरिजन का बोझ अगर बच्चों पर डाल दिया जाए तो मामला और गड़बड़ हो सकता है। क्यों ज्योत्सना, बड़े पे भी, किसी पे भी। तो चलिए स्वामी रामदेव से ही जानते हैं कि छात्रों की इन मुश्किलों का समाधान कैसे करें। और चूंकि गुरुकुल में भी हजारों बच्चे स्वामी जी पढ़ते हैं, ऐसे में आपसे बेहतर कौन सिखा सकता है कि वो मैनेजमेंट कैसे हो ताकि शरीर भी फिट रहे, दिमाग भी तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में भी अव्वल रहें और देश का भविष्य बेहतर बने। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम। तो देखो, बहुत बहुत प्रणाम आपको ज्योत्सना, मीनाक्षी जी। और देखो, एक तरफ तो फुल एनर्जी है हमारे अजय, ये बालक स्केटिंग भी, स्केटिंग योगा करता है और इसका वीडियो 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा है, अलग अलग तरह के स्केटिंग योगा का। और हम स्टैंडिंग योगा कर रहे हैं, वृक्षासन, गरुड़ासन, और इसके बाद कठिन आसनों का भी दौर शुरू होगा। फिजिकली, मेंटली पूरा फिट बनना है और हिट बनना है। लाइफ में सबको फिट रहना है, हिट रहना है, सबको स्वस्थ रहने के साथ जीवन में सफल और विजयी बनना है। उसके लिए अपने तन को, मन को, जीवन को साधना पड़ता है। तो एक तरफ तो स्केटिंग योगा चल रहा है, मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ और इधर ये कठिन आसनों का दौर भी चल रहा है। हमारे बालक यहाँ नटराज आसन, ध्वजासन, पूर्ण चक्रासन, डिम्बासन, अलग अलग प्रकार के आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ से बच्चे अपने आप को साधना शुरू करें और सूर्य नमस्कार तो 10 बार अवश्य ही कर लें आज। ये सारे अभ्यासों के साथ जो बहुत ही अप्रतिम है, मैं तो कहता हूँ 10 बार सूर्य नमस्कार ही कर लिया ना तो पूरा जीवन ही सज जाता। हमारी सारी ये श्रद्धामयी बेटियाँ जो परम योगिनी है, जो श्रम मीनाक्षी जी आप भी करोड़ों माँ बहन बेटियों के लिए आदर्श बन चुकी हो, और हमारी ये श्रद्धामयी बेटियाँ और ये हमारे बेटे यहाँ पर जो योग कर रहे हैं ना, ये बहुत ही जबरदस्त है। और इस योग में संयोग है कठिन आसनों का भी, जिसको कॉम्पिटिटिव पोस्चर्स बोलते हैं, एडवांस पोस्चर्स बोलते हैं, वो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमारी बेटियाँ भी और हमारे बालक भी। आज हम इन आसनों के साथ अब
आज एक एक करके ना सबको उभरी हो जाए, वो उभरा हुआ सीना हो, पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर मजबूत हो। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं दंड बैठक। एक तो ये देखो, ऐसे ऐसे सबको करना चाहिए। यो 10 बार से शुरू करना, पहले दिन तो 5 ही बार करें एक एक अभ्यास। चलो दंड बैठक शुरू कर रहे हैं। ये हमारी बेटियां भी बड़ी मजबूत है, देखो कैसे करना। रिलैक्स, 1 आगे गए ऐसे, 2 वापस आए ऐसे, 1 ऐसे, दोनों हाथ सामने ऐसे, पंजे खड़े रहते, 1 ऐसे और 2 ऐसे। ये तो एक ऊर्जा स्फूर्ति इसमें पूरी रहती है। फिर जैसे हमारी जो जंघाएं है ना वो बहुत सुंदर बने, उसके लिए कराते हैं 1, 2, 3, 4 and 5 ऐसे 5 बार करें। ऐसे 5 बार करके 25 बार कर लो। बॉडी का जो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपोजर चाहिए ना वो आपको मिलेगा। 1, 2, 3, 4 and 5 अब देखो पैर ऐसे, अब इसमें दोनों हाथ सामने, कोहनियां सीधी और दाहिने पैर के पंजे पर बैठेंगे ऐसे। कैसे? ऐसे एड़ी खड़ी हो जाएगी दाहिने पैर की, 1, 2 पूरे उठे, 3 ऐसे, 4। अब लंबे श्वासों के साथ जब ऐसे बैठते उठते हैं ना इतना खूबसूरत तन बदन बन जाता है ऐसे। और फिर अब देखो हमने कई बार बताया अभ्यास तो, लेकिन लोग ठीक से कर नहीं पाते, तो कैसे करें देखो। एक छलांग लगाएंगे आगे, 1 फिर नीचे गए, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 अब देखो अब ऐसे ये दंड बैठक कई बार बताया हमने लेकिन लोग लगा नहीं पाते, सोचते हैं ये तो बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है और छोड़ देते हैं। पैर पीछे पास में, घुटने पास में, पंजे पास में, एड़िया पास में और अंगूठे मिले हुए ऐसे, 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, 1, 2, 3 अब इससे और चैलेंजिंग है दूसरा, नीचे गई, 1, 2, 3 में वापस नीचे आना और फिर वापस आना, 4 में, 1, 2, 3 and 4 ये थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है। चलो वापस आ जाते हैं। अब अगला इसका ना, ये तो साधारण और राममूर्ति दंड की, अब हनुमान दंड, फिर 500 चक्र हनुमान शिख हनुमान दंड से शुरुआत करते हैं आगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसु लोक उजागर। और हनुमान जी के जो भक्त हैं उनको रोग दुख दरिद्रता तो आती नहीं, ना से रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। अब हनुमान जी का ध्यान करो, एक पैर आगे, 1, 2 ऊपर, 3 वापस, 1 नीचे गए, 2 और 3 एक एक अभ्यास ऐसे। यो अब ये तो होले होले हुआ, अब थोड़ा फास्ट करें तो 1, 2, 1, 2 नीचे पूरा, ऊपर पूरा, नीचे छाते लगती है, वापस आते, रिलैक्स। भाई बेटियां भी बड़े मजबूत है, बेटे तो है ही सो है। ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे किया जाता है। फिर वृश्चिक दंड में पैर ऊपर उठाते नीचे आते, 1 नीचे ठहरते थोड़ा, 2 और 3 घुटना सीधा, पंजा तनाव, 1, 2, 3 पैर सीधा का सीधा उठता है, कोई घुटने मोड़ लेते ऐसे नहीं, 1, 2, 3 1, 2, 3 स्वामी जी पैर इधर गया विपरीत दिशा में। शुरुआती आपने इतनी जबरदस्त करा दी है, डिप्रेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शरीर इतना थक जाएगा तो इतना दिमाग चलाने का समय ही कहाँ मिलेगा स्वामी जी। लेकिन घर परिवार की उम्मीदें, करियर का जो टारगेट लोग फिक्स करके चलते हैं, उसे पूरा करने का दबाव बहुत ज्यादा होता है, छात्रों की जिंदगी में इतना तनाव बढ़ा देता है कि धीरे धीरे यंगस्टर्स बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। इसलिए युवाओं की शारीरिक मजबूती के लिए तो योग आपने कराया है, इसके अलावा
कौन से उपाय करने की जरूरत है जिससे कि उनका माइंड जो है रिलैक्स रहे, फिजिकल एक्टिविटी वो भरपूर करें और अपने टाइम मैनेजमेंट सीखें। देखो ये चक्कर दंड लगाएंगे तो बाहर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपने कहा हम फुर्सती ना आने अपने दिल दिमाग को, अपने तन मन जीवन को कहीं इधर उधर फिसलने ना दे। अब जो मजबूत बच्चे हो तो चक्कर दंड भी लगा लेते हैं और पलट दंड करके फिर आगे बढ़ जाते। एक दो तीन चार, आह इसमें पता लगा कुछ हो रहा है। पांच नीचे, छः सात, वन टू थ्री फोर फाइव, ये तो पूरा हिल गया तंत्र। सिक्स एंड सेवन, चलो अब शेर दंड लगाओ। शेरो हाँ, तो देखो शेर दंड कौन कौन लगाते हैं। हाँ बच्चे बड़े मजबूत है भाई, पेरेंट्स बहुत जबरदस्त है। ऐसे एक दो तो बहने भी लगा रही हैं। मैं वही कह रही थी स्वामी जी, आपकी आपके यहाँ तो शेर नहीं, अभी शेर दंड लगा रही हैं। तो एकदम आपने ठीक कहा। तो देखो हमें कुछ बातें तय कर लेनी चाहिए। मैं तीन बातें सबसे कहना चाहूंगा। 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव। बच्चों तीन बातें याद रखना, 18 घंटे पुरुषार्थ करना है, उच्च भाव चेतना में जीना और बड़ा लक्ष्य अपने सामने रखना, और तीन बातों से बचना है। इनएक्शन, रोंग एक्शन, रिएक्शन। किससे बचना है? तीन से बचो। और जो सुबह सुबह 1 घंटा योगाभ्यास कर लेगा ना, उसका लाइफ मैनेजमेंट, उसका टाइम मैनेजमेंट, उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज और उसका सक्सेस रेट, उसके जीवन में उत्पादकता, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, उत्पादकता, सृजनाधर्मिता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता, सकारात्मकता, दिव्यता, उसके जीवन में योग मूलक कर्म योग, योग मूलक उद्योग, उसके जीवन में निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्चय मूलक अभ्युदय, शांति मूलक क्रांति, संस्कृति मूलक समृद्धि, विकास, विरासत मूलक विकास, विनय मूलक वीरता। हमने थोड़े तत्व जल्दी जल्दी कह दिए। उसके जीवन में राम का मर्यादा तत्व, कृष्ण का कर्म योग तत्व, उसके जीवन में हनुमान का सेवा तत्व, शिव का समाधि तत्व, उसके भीतर सीता का पवित्रता का, सच्चरित्रता का तत्व सारे, और उसमें दुर्गा भवानी का शौर्य पराक्रम सब एक साथ, ये सारी दिव्यताएं जीवन में उतरती चली जाएंगी जिसके हम उपासक हैं, मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और चूंकि हम युवाओं की आज बात कर रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इन सारी बातों को कभी कभी वो भुला देते हैं और उनमें एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से ब्लड में एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ने लगता है, दिल और बाकी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हाई अलर्ट पर चले जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, यंगस्टर्स का दिल भी मजबूत रहे उसके लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है? यंगस्टर्स का दिल मजबूत रहेगा, एक तो अनुलोम विलोम करें और बचपन से ही, चलो सब बच्चे शीर्षासन करो, बच्चों को बचपन से ही शीर्षासन का, सर्वांगासन करने का, और जो थोड़े मजबूत हैं उनको तो अपने हाथों पर परिवार का ही नहीं सारे संसार का भार संभालना है। वृश्चिकासन भी करो, कुछ बच्चे वृश्चिकासन करेंगे, कुछ बच्चे टिट्टी भासन करेंगे, पूरे हाथ ऐसे मजबूत होने चाहिए। टिट्टी भासन, वृश्चिकासन और तुलासन, तुलासन भी बड़ा जबरदस्त होता है। हाँ चलो अजय जी आप तुलासन करो, ये तो धोती में ही कर रहा है। आहा हा हा, बड़ा जबरदस्त करता है, लेकिन हाँ अंगुलियों पर अंगूठों पर ही पूरा वजन उठा रखा है। अब देखो इधर, ये तो इसी में फुदक रहा है, क्या बात है, बेटे और बेटियों ने जबरदस्त किया इधर। ओहो तो अरे तो पुशअप्स भी कर रहे हैं। अनुलोम विलोम करो, शीर्षासन अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन करें, सर्वांगासन करें, इससे ना
इतनी मजबूती आ जाएगी, जीवन में ये कमजोरी नाम का कमजोरी ही बीमारी है। शारीरिक कमजोरी, मानसिक वैचारिक कमजोरी, किसी भी प्रकार की दैन्यता, दुर्बलता का भाव, दैन्य, दुर्बलता, निराशा, हताशा, मायूसी, उदासी, ये इसको हमने अपने डिक्शनरी से गायब कर रखा है। चलो मंडूकासन, शशकासन करो, चुको, सुबह उठ करके धरती माता को, माता पिता को प्रणाम करो। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धे उपसेवरे चत्वारि तरस्य वर्धन्ते अरिविद्या शोभलम्। प्रातः काल उठके रघुनाथा मात पिता गुरु ना हो, माता मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथिदेव हो, राष्ट्रदेव हो, माता भूमि ही पुत्र हम प्रतिभा। भोर में उठ करके मंडूकासन और शशकासन, ऐसे ये सब बच्चों को करना चाहिए। शशकासन और बच्चे तो फ्लेक्सिबल होते हैं। चलो आप लोग भू नमनासन करो, भू नमनासन ऐसे, तो तन मन जीवन को साध लेंगे, कहीं स्ट्रेस नहीं, कहीं एंजाइटी नहीं, कहीं डिप्रेशन नहीं। और जो मैंने कहा था ना 24 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का स्वभाव, सदा उच्च चेतना में, योग चेतना में, ऋषि चेतना में, भागवत चेतना में, दिव्य चेतना में, हायर कॉन्शियस में जीने का अभ्यास और बड़ा लक्ष्य सामने रखेंगे। तीन बातें अपने बच्चों को सब नोट करा के रखें। मैंने ऐसे ही पूरा वातावरण बनाया हुआ, जैसे आपने कहा पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, और उसी का परिणाम है कि हमारे किसी बच्चे को स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होता, और सब बच्चे 80% से अबाव तो मार्क्स लेकर के आते हैं, 90%, 99%, और सैकड़ों बच्चों को तो 100% स्कॉलरशिप देते हैं, लाख, 2 लाख, और कुछ तो ऐसे मेधावी बच्चे हमारे 5 लाख की छात्रवृत्ति पा लेते हैं। तो ना हार्ट पर, ना ब्रेन पर कोई बोझ है। स्वामी जी का बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जीना है। चलो बच्चों, अर्धमत्स्येंद्रासन वक्रासन करो। किसके साथ? बोझ के साथ नहीं। क्या बोला? बोध के साथ जीना है। जोर से बोलो, किसके साथ? बोध के साथ जीना है। जी कुछ कह रहे थे मीनाक्षी? मैं ये कह रही थी स्वामी जी, आप हम जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं, उस प्रेशर की वजह से एड्रेनालाइन हार्मोन बढ़ता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, और ख़ास तौर पर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो हाई बीपी का शिकार बन रहे हैं इसी वजह से। बीपी नॉर्मल रखने के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या है? क्योंकि वो बीपी की बीमारी जो कभी 50s के बाद की बीमारी कही जाती थी, वो आजकल यंग एज में हो रही है, 20s में हो रही है। तो स्वामी जी, बीपी को कैसे नॉर्मल रखा जा सकता है? ये आपने एकदम ठीक बात कही। इसके लिए सबसे अच्छा है ये गोमुखासन। चलो गोमुखासन में लगातार कर रहे हैं, तब तक स्टूडियो वाले, पीसीआर वाले फोन लगाओ भाई, तब तक जुड़ जाएंगे हम, और मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। हाइपरटेंशन के लिए गोमुखासन, या हार्ट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, फिजिकल मेंटल बैलेंस के लिए, और बड़ा ईजी है, सब कर सकते हैं। और बच्चों को, खास करके मेल्स को हाइड्रोशील की प्रॉब्लम, और फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका भी सॉल्यूशन है ये गोमुखासन। इसमें कपालभाति भी हो जाता है, इसमें मूलबंध भी हो जाता है, और इसमें बाह्य प्राणायाम के साथ मूलबंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, तीनों एक साथ हो जाते हैं। तो एक उपाय गोमुखासन, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, ये गोमुखासन। और लेट करके मरकटासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो ये मरकटासन के 3 अभ्यास, फिर पवन मुक्तासन और सेतुबंध हाइपरटेंशन के लिए। और बच्चों आप करो भुजंगासन। भुजंगासन बड़ा ज़बरदस्त होता है हाइपरटेंशन के लिए, हार्ट के लिए। तो हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के जो योगी बालक हैं,
ये कर रहे हैं भुजंगासन और योगिनी बेटियां मेरे साथ कर रही हैं मरकटासन के दो अभ्यास होगी। पहले मैं घुटने पंजे पास में, दूसरे में ऐसे डिस्टेंस, एक तरफ गर्दन मुड़ती है दूसरी तरफ पैर जाते हैं। और हाइपरटेंशन के लिए अपने मन को शांत रखने के लिए सांसों पर अपने मन को टिकाए करें। आत्मसंयम बहुत बड़ी साधना है, आत्मसंयम योग, आत्म प्रेरणा, आत्मानुशासन, आत्मस्पर्धा, आत्मोन्नयन, आत्मारोहण अथवा योगानुशासन। और हाइपरटेंशन के लिए फिर लौकी का, पेठे का जूस, जितना हो सके भोर में शाक सब्जियां, देखो फल, उबली हुई सब्जियां, फल जूस, कभी लौकी का, कभी पेठे का, कभी अनानास का, कभी गाजर का। गाजर के जूस से बच्चों की आंखें कमजोर नहीं होंगी, सो थोड़ा आंवला या नारंगी और मिला लें। जो अनानास का जूस पिएंगे उनकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, डाइजेशन भी मजबूत रहेगा और कभी वेट नहीं बढ़ेगा। जो लौकी का जूस पिएंगे उन और पेठे का जूस पिएंगे कोलेस्ट्रॉल आदि तो बढ़ेगा ही नहीं, पूरी बॉडी माइंड सब एकदम डिटॉक्स रहेंगे। तो मरकटासन, पवन मुक्तासन, और बच्चों को तो चलित पवन मुक्तासन करने में तो और भी मजा आता है इसे। तो ये जी हमारी सारी बेटियां तो बहुत कठिन कठिन कॉम्पिटिटिव एडवांस योग करती हैं, उनके लिए तो ये बच्चों का खेल लग रहा है। तो ये और ज़्यादा ही हाइपरटेंशन बढ़ जाता है तो मुक्तावती बीपी ग्रिड देते हैं और धीरे धीरे सहज रूप से स्वाभाविक रूप से बीपी नियंत्रित हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ज़िंदगी भर लोगों को दवा खानी पड़ती है। अपने ऊपर विजय, अपने रोगों पर विजय, अपने मन विचार संवेदनाओं पर विजय, इसी को कहते हैं आत्म विजय। आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता होने का सामर्थ्य बच्चे अर्जित कर लेते हैं मेरी बहन। स्वामी जी, जब बच्चे प्रेशर ज्यादा लेने लगते हैं तो तनाव भी बढ़ता है और बढ़े हुए तनाव से बॉडी में हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ता है जिससे ब्लड शुगर भी हाई हो जाता है। और कम उम्र में डायबिटीज होना मतलब उम्र के साथ रोगों का पूरा कुनबा लेकर चलना। तो स्वामी जी, शुगर को बैलेंस करने के लिए भी एक सेशन करवा दीजिए। हाँ, ये अभी एक तो प्रेशर और अलग अलग प्रकार के पढ़ाई से लेकर के, कमाई से लेकर के, करियर से लेकर के, फिर फैमिली के, बिजनेस के, पता नहीं कैसे सोसाइटी में, फिर अलग अलग प्रकार के सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल प्रेशर, अभी तो प्रेशर और बढ़ गया है क्योंकि जो राजनेता है ना वो अलग अलग तरह का प्रेशर बढ़ाते हैं पॉलिटिक्स में, और वो प्रेशर थोड़ा थोड़ा रिलीज सभी जगह होता है। तो खैर, लंबे लंबे श्वास। तो बीपी के बाद शुगर जो बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके लिए एक तो पवन मुक्तासन जो हमने पहले बताया था, अब मंडूकासन, योग मुद्रासन और वक्रासन करेंगे, अर्धमत्स्येंद्रासन। इससे शुगर 100% बैलेंस हो जाता है। खीरा, करेला, टमाटर का हम जूस पिला देते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 3 डायबिटीज, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से जिनकी आंखें खराब हो गई है, वो सर्वांगासन और शीर्षासन करें। शीर्षासन और सर्वांगासन श्री इसको आसनों का राजा कहा जाता है। जिनकी किडनियां गड़बड़ हो रही है थोड़ा जौ का आटा, गोखरू का, धनिये का पानी पिए। जिनकी आंखें गड़बड़ है वो आईग्रिट का, आंवला, एलोवेरा का प्रयोग करें। और मधुनाशिनी, मधुग्रिट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस ये डायबिटीज पर विजय का और पेनक्रियाज के डीजनरेटिव सेल्स को रिजुवेनेट करने का बहुत बड़ा माध्यम है मंडूकासन। मंडूकासन मुठ्ठियां बांध के और हथेली पर हथेली रख करके ऐसे, एक ये ऐसे मंडूकासन और ये योग मुद्रासन। सच में डायबिटीज से हम नॉन डायबिटिक हो जाएं ये लोगों के लिए आश्चर्यजनक बात है, लेकिन योग में तो बिल्कुल सहज है। और बच्चे तो चलो मयूरी आसन और मयूरासन कर लो बच्चा, ये तो पेनक्रियाज को कहते हैं सुपर एक्टिव कर देता है। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डीजनरेशन ही डायबिटीज, उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, इसी को पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं।
और धीरे धीरे ज्यादा ही डायबिटीज बढ़ जाए, HbA1c 14 तक पहुंच जाए, शुगर 500, 700, 800 तक पहुंचने लगे, इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते। फिर कहते अब इंसुलिन बनना बंद हो गया, बाहर से इंसुलिन दो। तो चाहे हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन बनना कम हो गया हो या बंद हो गया हो, हमारी बॉडी के सारे सेल्स और उनके रिसेप्टर्स कमज़ोर पड़ गए हो, अंदर के एक एक सेल के RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन से लेकर के पूरा ताना बाना उसके माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के एक एक सेल के ब्रेन से लेकर के एक एक टिश्यू ऑर्गन तक को सबको अच्छा करते हैं, ये तरीका है योग का। तो इसलिए हम योग में अब आसन कर रहे हैं हम डायबिटीज़ के लिए, लेकिन BP में फ़ायदेमंद है, लीवर किडनी में भी फ़ायदेमंद है, कॉन्स्टिपेशन क्वालिटीस में भी फ़ायदेमंद है। ये वक्रासन और अर्ध मत्स्येन्द्रासन, बच्चे तो पूर्ण मत्स्येन्द्रासन भी कर देते हैं। पूर्ण मत्स्येन्द्रासन में ये पैर एक तो देखो, अर्ध मत्स्येन्द्रासन में तो ऐसे मोड़ते हैं, और पूर्ण मत्स्येन्द्रासन में ये पैर ऊपर मोड़ा ऐसे रखा, फिर इस पैर को ऐसे रखा। हाँ करो, पूर्ण मत्स्येन्द्रासन करो जी, ये देवाणी जी ने किया ना, ऐसे करो। अब उस हाथ को लो इधर से और ऐसे घूमो, ये घूम गए ऐसे। सब बेटियों ने तो ज़बरदस्त कर लिया भाई, बहुत ज़ोरदार बेटी है, पहली बार मैंने देखा है तुमको। पूर्ण मत्स्येन्द्रासन तो पूर्ण मत्स्यावतार हो गई है। अप्रतिम अप्रतिम, हाँ क्या बात है भाई, आज तो इनको इनाम देना पड़ेगा। हम भी बचपन में ऐसे कर लिया करते थे, अब हमारा स्थान इन बच्चों ने ले लिया, हमारे बच्चे बड़े योगी हो गए। तो अब किसी को शुगर और शुगर के कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे, जैसे हमने बताया मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, स्वामी जी क्योंकि लगातार हम तनाव का जिक्र कर रहे हैं और वो हमारे शरीर को कैसे इफेक्ट करता है वो भी हम बता रहे हैं, और मैंने हॉर्मोन्स की भी बात की, तो इसी से जुड़ा एक और विषय है जिसकी बात करना और जिसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। स्वामी जी, हॉर्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी बढ़े हुए तनाव की वजह से झेलनी तो पड़ती है, और जब हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस शरीर में ज़्यादा होगा तो उससे कहीं ना कहीं शुगर लेवल इफ़ेक्ट होता है, ये आपने बताया। मूड स्विंग्स भी होते हैं, हर वक्त थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, इनडाइजेशन तक की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो पाचन परफेक्ट रहे, ये सिम्टम्स ना रहे, क्या क्या होते हैं, डिप्रेशन, OCD, और छोटे छोटे बच्चों में पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, पता नहीं बहुत बुरे हालात, ऐसे ऐसे उपद्रव सामने आते हैं देख करके, और फिर जिनके मूड स्विंग आदि होते हैं और जिनका फिर अपने मन पर नियंत्रण होता, खाते भी बहुत हैं, फिर मोटे भी हो जाते हैं। तो क्या करें, मूड स्विंग ना हो इसके लिए मेधावटी, मेमोरी, ग्रीट, ओमेगा या गाय का घी एक चम्मच या ब्राह्मी घृत ले लें, और उसके लिए बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह घोटा लगा करके पिया करें। बादाम अखरोट का घोटा बताया है, कभी तुम भांग पर घोटा घोट दो, वो बड़ा खतरनाक। हाँ, तो बच्चों को बादाम रगड़ा हुआ, बादाम रगड़ा बोलते हैं हमारे पहलवान लोग, तो इसका भी सेवन करना चाहिए। और मूड स्विंग ना हो इसके लिए ना, एक बार बच्चों को वेग पूर्वक देखो, ये बच्चों वाला प्राणायाम बता रहा हूँ, जवानों वाला, यंगस्टर्स वाला, मूड स्विंग होंगे नहीं, एक मिनट में कितना ही चंचल मन हो कंट्रोल में, कैसे एक मिनट में 150 से 200 बार। अब इसमें सिर ना हिलाए, कुछ मुंडी हिलाने लगते, कुछ कंधे पूरे हिलने लगते, ऐसे नहीं, इसमें हलचल पूरी फेफड़ों में होगी, तेजी से भस्त्रिका, दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स, ये बच्चों के लिए, जवानों के लिए भस्त्रिका, और ऐसे कपाल भाती, देखो ऐसे, ये सुपर फास्ट कपाल भाती है। देखो ट्रेन चलानी थी ना मोदी जी को, क्या बोल रहे थे, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन,
तो ये बुलेट कपाल भाती है, बुलेट 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 कपाल भाती, बुलेट भस्त्री का। और ऐसे देखो, दिस इज ओनली फॉर यंगस्टर्स जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले से बैकेक है, पहले से उथल पुथल हो रखी है, फिर कभी मुझे उलाना मत देना बाबा जी, हमने तो प्राणायाम किया था, मोक्ष ही हो गया। तो ये बाकी आराम आराम से करना। तो ये भस्त्रिका कपालभाति तेजी से बहुत दिनों के बाद मैंने बताया, यंगस्टर्स ऐसे करेंगे ना तो मन इतना ऐसा, जैसे मेरा हाथ कहाँ है, घुटने पर, क्यों, मैंने यहाँ रखा। अब जैसे मेरे कहा ऊपर उठ, ऊपर उठ गया, मेरे कहा नीचे आ, नीचे आ गया। जैसे मेरे हाथ मेरे पैर मेरे नियंत्रण में है, ऐसे ही मेरा मन भी मेरे नियंत्रण में रहता है, मैं मन के नियंत्रण में नहीं रहता। ये है योग की महिमा। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। हकार कीर्तितः सूर्य ठकारश चंद्र उच्यते, अनुलोम विलोम में पूरा हठ योग हो रहा है। हकार कीर्तितः सूर्य ठकारश चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्रमसौर योगात हठ योग निगद्यते। देखो कितनी ऊंची बात और कितने सरल सहज शब्दों में कह दी है गुरु गोरखनाथ ने, गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने। बाया चंद्र दहिना सूर्य, इनका योग, सूर्य शक्ति अग्नि सोमात्मकम इदम जगत, जीवन में शौर्य का, वीरता का और विनय का, सहजता का, प्रेम करुणा का, दोनों शांति क्रांति का भी दृश्य है इसका। मिलन जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, यही तो योग है। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। हॉर्मोन्स की आज बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि स्वामी जी हॉर्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत तरह की परेशानियां शरीर में होती हैं। अब एक और परेशानी है थायराइड और पीसीओजी की। हॉर्मोन्स का जब बिगड़ना शरीर में शुरू होता है तो उससे थायराइड और पीसीओडी की भी बीमारी लगती है और बड़ी घातक ये रूप अख्तियार कर लेती है। यंग एज में ही इन बीमारियों का अटैक किसी को भी हिम्मत तोड़ने के लिए ये बीमारियां बहुत सबसे अच्छा है। चलो बेटी आप तो सर्वांगासन और एंट्री ना हो इन बीमारियों की, उसके लिए क्या करना है? जो बेटियां बचपन से ही, हाँ इसके लिए पहले से ही सर्वांगासन और हलासन करें, जैसे हमारी बेटियां करिए, करो बेटा ऐसे सर्वांगासन हलासन और कुछ मत्स्यासन कर लो, तीनों आसन एक साथ हो रहे हैं। पैर ऊपर उठा दिए सर्वांगासन, पैर पीछे टिका दिए ये हलासन, और आप मत्स्यासन करो जी देववाणी जी। पद्मासन में लेट करके गर्दन मोड़ दी पीछे की ओर से देखा तो ये मत्स्यासन, सर्वांगासन हलासन मत्स्यासन, फिर ये सिंहासन और ये उज्जाई, इससे तो थायराइड और पीसीओडी के लिए कपालभाति। और सब बेटियां पवन मुक्तासन करो। अब देखो पवन मुक्तासन, और जो बचपन से ही दशमूल काढ़ा पीते रहेंगे, 10 साल की उम्र के बाद बेटियों को दशमूल मूलारिष्ट 2-2 चम्मच, फिर बाद में बड़े होने पर 4-4 चम्मच पिला देना चाहिए दशमूलारिष्ट। अभी तो हमने नारी कांति वटी सिरफ बना दिया है, और जिनको ये बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी, पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठे, काजनार वृद्धिवादिका और सिस्टोग्रिट, तो परम औषधि है इसकी, और गोधन अर्थ भी पिला देते हैं उससे शरीर का शुद्धिकरण। तो माँ बहन बेटियों को हजारों की संख्या में, मैंने तो कितने लाइव रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं और पूरे देश ने देखे हैं, पीसीओडी और उससे फिर इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, माताओं बहनों को दाढ़ी मूछ आ जाते हैं। जो पवन मुक्तासन और सेतु बंद करो बेटियों, कितना सरल सहज है सेतु बंद, जो पवन मुक्तासन और सेतु बंद करती है माँ बहन बेटियां और कपाल भाती कर लेती हैं। अब सब बच्चे कपाल भाती करो, सब हमारे बालक कपाल भाती कर रहे हैं, हमारी बेटियां पवन मुक्तासन के बाद सेतु बंद कर रही है, पीसीओडी कभी हो ही नहीं सकता। और जो मैंने उपाय बताए, गर्म पानी थोड़ा पीना और काचन और गुग्गुल वृद्धिवाधिका वटी कर्क्यूमिन गोल्ड पुनर्नवादी मंडोर पुनर्ग्रीट और सिस्टोग्रीट, और किसी को यदि कैंसरस भी हो अंदर कांठ तो सिस्टोग्रीट डायमंड, ये है अपनी सभी प्रकार की ग्रंथियों पर विजय पाने की प्रक्रिया। क्या जबरदस्त,
और फिर ये पॉइंट दबा ले, देखो ये पॉइंट पीसीओडी के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। फिर ये पॉइंट्स बहुत कम बताया मैंने, कभी कभी बताया बवासीर के लिए, ऐसे जैसे हाथ में अंगूठे के नीचे कलाई के ऊपर, ऐसे पैर में या टखने के नीचे और यहाँ दोनों पैरों में ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ से। ओहो, पायस फिसर फिस्टुला भी इससे ठीक। और ये दोनों तरफ पहले आप कड़े और पाजे पहनते थे ना, चूड़ियाँ पहनती थी, लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, वो अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ये उपाय है, ऐसे ये उपाय सभी करें। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम और इससे फिर इनफर्टिलिटी के लिए मैंने बोला संतति सुधा शिवलिंग पुत्र जीवक और नारी कांति भट्टी शिरक। पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण। और सबके लिए बहुत गृहस्थी खराब और रखे लोगों की कमजोरी है अश्वगंधा शतावर सफेद मुसली, ऐसे अमृत दायरी जड़ी बूटियों, एक एक जड़ी बूटी में 100-500 अचार तक एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं। एक एक योग के 100-100 लाभ हैं, एक कपाल भाति के 100 फायदे हैं। इससे इन्फर्टिलिटी, इससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे मूलाधार चक्र जागृत हो जाते, मूलाधार से ससुराल तक अंत शक्तियों का जागरण होता है। और वो मैं ये कह रही थी स्वामी जी, यही जो बात है ना, वो यंगस्टर समझ नहीं पाते हैं। और समझ नहीं पाने के बाद होता ये है कि जो उम्मीद वो लगाए बैठे होते हैं, बहुत मेहनत की, साल भर तैयारी के बाद एक एग्जाम दिया, मानते हैं कि कई बार रिजल्ट उम्मीदों के मुताबिक नहीं आता है। लेकिन जब बच्चे ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तब परेशानी शुरू होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ख़ास तौर पर स्वामी जी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो 0.1% 0.2% इतना भी बहुत मैटर करता है। जब यहाँ पर फेलियर होता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, मेंटल डिसऑर्डर का ख़तरा बढ़ जाता है। स्वामी जी आपके गुरुकुल में तो इतने सारे बच्चे हैं, हर उम्र के बच्चे हैं, वो तो माता पिता से भी दूर रहते हैं, दूसरों के मुकाबले दूसरे स्कूलों के मुकाबले प्राणायाम और मेडिटेशन इन बच्चों की कितनी मदद करता है। जी जी स्वामी जी बोले। देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी में मैंने देखा 5-5 साल, एक को मैंने देखा श्यामीर नाम था उस लड़के का, वो आज तक आईएएस नहीं बन सका, उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल लगा दिए। हमारे बच्चे अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी उद्गीत करते हैं, सुबह उठ के शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं, दौड़ लगाते हैं, खेलते हैं, खुश रहते हैं, योग यजन करते हैं, ध्यान करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, और आईएएस में आईपीएस में बच्चे इंजीनियरिंग में मेडिकल में 1 साल में ही सिलेक्ट हो जा रहे हैं। और ये सिलेक्शन रेट बहुत कम है, और कोटा जैसे शहर तो अब सोसाइटी के लिए बदनाम हो गए, बहुत खराब है। मैं 3 बातें एक साथ कहना चाहूँगा। एक 2 साल से ज़्यादा किसी भी कंपटीशन के लिए प्रयास मत कीजिए, उसमें आप सफल नहीं हो रहे तो आपकी मूल प्रकृति वो नहीं है। अपने मूल प्रकृति का निर्धारण सबसे बड़ा चैलेंज होता है लाइफ में। लेकिन 1-2 साल से ज़्यादा कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी चाहिए, एक नहीं तो दूसरा, कितने विकल्प हैं। और आज देश के ऊपर राज कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, कोई आईएएस आईपीएस की तैयारी की थी है? कोई नीट और जी की तैयारी की थी तो नीट की, जी की, और पता नहीं क्या क्या अलग अलग है, क्लैट की, इधर की उधर की, सब बहुत तरह की तैयारियाँ हैं। मैं तो कहता हूँ तुम प्रथम कोटि के बनो, लेकिन एक बार एक विषय में सफल नहीं तो दूसरा आपके विकल्प सामने विकल्प है। और नौकरी ही क्या अंतिम है, तुम जॉब सीकर क्यों, जॉब क्रिएटर क्यों नहीं बन सकते स्वामी रामदेव की तरह, पूज्याचार्य भाषण जी की तरह, पतंजलि की तरह। और अगली बात और कहता हूँ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, बिजनेस, व्यापार, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, क्या क्या नहीं, अरे आप में एक बोलने की ताकत है। तो आजकल तो यूट्यूबर्स भी लाखों की संख्या में हैं, जो महीने में लाखों और करोड़ों कमा रहे हैं। ये तो जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स, क्या नहीं हो सकता। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, 100 से ज़्यादा कामों में मुझे कुशलता है, लेकिन मैंने एक काम में सबसे पहले कुशलता पाई, योग शास्त्र, व्याकरण शास्त्र। फिर तो आगे बढ़ता गया, एक बार दरवाजे जिंदगी में खुल जाते सफलता और विजय के, तो फिर तो
चाहेंगी सदा तुझको खुशियां और आशाएं, चूमेगी चरण तेरे सब और सफलताएं, जीवन को पथिक उसकी राहों पे लगा देना, मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना। बस योग की राह पर, सनातन की राह पर, पुण्य की, धर्म की, न्याय की राह पर स्वयं को लगा देना, जीवन के सारे दरवाजे आपके लिए खुले होंगे, आप नेम फेम सब कुछ पाएंगे, सफलता भी जाए मेरे बहन। और जो बात आप हमेशा कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखना, उस विश्वास को कभी मत खोना, तो मंजिलें बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगी, बस रास्ता थोड़ा आसान मुश्किल हो सकता है। स्वामी जी, योग प्राणायाम के बाद अब सेहत के लिए आप आज पाक शास्त्र में क्या खास बताने वाले हैं कॉलेज स्टूडेंट्स की, उसकी आप तैयारी करें। तब तक मैं दर्शकों को कल के कार्यक्रम, कल के शो के बारे में बता देती हूँ कि कल क्या खास रहेगा। अप्रैल में ही गर्मी का सितम, शरीर में बैलेंस रखे वाटर का लेवल, हार्ट, लिवर, किडनी की बढ़ेगी टेंशन, हड्डियों का भी दुश्मन डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से इनडाइजेशन, मसल्स में आएगी कमजोरी और ऐठन। स्वामी रामदेव के रामबाण उपाय डिहाइड्रेशन मिटाए और गर्मी से बचाए। तो बढ़ती गर्मी में कैसे रखे अपनी सेहत का ख्याल, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से कैसे बचे, जानने के लिए हमारे कल का शो को बिल्कुल भी मिस मत होने दीजिएगा। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगाइए। देखो, आज के सेहत के पिटारे में ज्योत्सना मीनाक्षी जी हमारे पास, ये और खाने वाले भी उधर से उल्टे चल के आ रहे। हाँ हाँ हाँ। तो देखो, एक तो केला और अभी आम भी आने वाला है, ये दूध के अंदर केला डालें, और केला अकेला नहीं खाना चाहिए, कम से कम कहते हैं 2 केले जरूर होने चाहिए, तो ये केले और इसमें खजूर और डाल दो, केला और खजूर। और ये साहब, ये तो ऐसा सुपर फूड है, ये दोनों डाल दिए और फिर इसको घोट के पी लिया ना, फिर तो इतनी ताकत मिलती है आदमी में, जैसे कहते ना हाथी जैसा बना। आज का सुपर फूड है बनाना, और बनाने के बाद अभी मैंगो आने वाला है, और साथ में थोड़ा खजूर डाल दो और फिर इसको पी लो, फिर तो मैंने कहा ना, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, बलिसु हस्ती बलादीनी, हाथी जैसा बल आ जाएगा। और पियो मेरे बच्चे, जमे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही सात्विक आहार लेगा, योगाभ्यास करेगा, बलवान बनेगा, और जब भारत बलवान बनेगा तो विश्व आगे बढ़ेगा। मैं महान बनूंगा, मेरा भारत महान बनेगा, और सारा जहान भारत बनेगा। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।